सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के बारे में, जिसे शॉर्ट में BNYS भी कहा जाता है। बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर फ्यूचर में कितनी आप इस कोर्स से सैलरी गेन कर सकते हैं, उस तक की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंट में इस पर्टिकुलर कोर्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से लॉकडाउन चला आ रहा है और इस लॉकडाउन के चलते जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने घर पर ही हैं और घर पर ही जो है वो योगा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपने BNYS कोर्स कर रखा है तो आप डाइट एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के रूप में काफ़ी अच्छा स्कोप जो है वो ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार की कुछ रेलिवेंट जॉब्स हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, जिससे कि आप अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसमें एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो आप 10+2 यानी कि 12वीं पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, एंड आपके जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट्स के साथ, और ओवरऑल जो आपके परसेंटेज है वो 50% आपके होने चाहिए। अब इन 50% में स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स रहते हैं कि क्या फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायो में 50, इस प्रकार से 50 होने चाहिए या फिर ओवरऑल हमारे 50% हो सकते हैं। जी हाँ, एग्रीगेट रूप से यानी कि ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए, फिर ये मैटर नहीं करता है कि फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं या फिर बायो में कितने हैं, ओवरऑल आपके 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आपकी 17 साल एज होनी चाहिए, अगर मिनिमम आप 17 साल के हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है गाइस, अब जानते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहती है। तो इसमें आपको 3 प्रकार की एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नीट, दूसरा आपका है एंट्रेंस टेस्ट या फिर स्टेट लेवल टेस्ट, एंड तीसरा आपका है डायरेक्ट एडमिशन। है क्या, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे BNYS में आपको एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट या फिर स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाने पड़ते हैं, तभी आपको BNYS में एडमिशन मिलता है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्टली जो है वो एडमिशन दे देते हैं एक मेरिट लिस्ट बनाकर। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस आपको पहले पता करनी होगी कि उस कॉलेज में आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिल रहा है, एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल रहा है, या फिर 12th के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो उस कॉलेज के बारे में आपको जानना होगा। कुछ एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉप के एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे कि नीट हो गया, दूसरा आसाम का एक टेस्ट है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, उसके बाद पंजाब का है पंजाब आयुष एंट्रेंस टेस्ट। इस प्रकार के कुछ टेस्ट हैं जो कि स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और इनके थ्रू आप BNYS में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें आप BNYS के कोर्स को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आपके स्टेट में भी काफ़ी सारे BNYS के जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कोर्स की अगर बात की जाए तो ये अंडर ग्रेजुएट यानी कि एक UG कोर्स है। इसके अलावा 4.5 साल का ये कोर्स रहता है, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप रहती है जो कि कंपलसरी है, आपको करनी ही पड़ती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5.5 साल का टोटल आपका कोर्स रहता है, जितना आपका एक MBBS का कोर्स रहता है उतना ही आपका BNYS का कोर्स जो है वो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एवरेज फीस कितनी रहती है। तो यार, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग अपनी अपनी फ़ीस है, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की फ़ीस आपको पता करनी पड़ेगी। बाकी कुछ एक कॉलेजेस है जिनकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, उसकी 1,08,000 है पूरे ओवरऑल कोर्स की फ़ीस है। उसके बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी की 1,20,000 है, हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर की 80,000 है, कुछ एक की 2,16,000, और जो नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है उसकी मात्र 40,000 रुपये है। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की जो फीस है वो आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब टाइप्स की, यानी कि इस मेडिकल कोर्स को करने के बाद किस टाइप के जॉब आपको मिलने वाले हैं। तो जॉब टाइप्स की अगर बात की जाए तो पहला आपका है पैरा क्लिनिक स्पेशलिस्ट, आप इस कोर्स को करने के बाद पैरा क्लिनिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एक योगा ट्रेनर बन सकते हैं जिसकी डिमांड प्रेजेंट टाइप में काफ़ी ज़्यादा है और ये आपको खुद भी पता है।
तीसरा आयुर्वेदा कंसल्टेंट बन सकते हैं, चौथा आप नेचुरोपैथ बन सकते हैं, आयुष प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं, आयुष प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। काफ़ी सारा स्कोप है, काफ़ी सारे जॉब टाइप्स है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। उसके बाद ये जो जॉब टाइप्स है, ये कुछ एक जॉब टाइप्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे जॉब है जो कि आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की, तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग एवरेज सैलरी आपको मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपने BNYS के कोर्स को कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करते ही आपको एक परफेक्ट जॉब मिल गई, तो उससे आप 2 लाख से 3 लाख पर ईयर जो है वो इजीली कमा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी सैलरी को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इस सैलरी को 5 लाख और एक प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं तो इस सैलरी को 7 से 8 लाख पर एनम भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की जॉब को चूज़ करते हैं और उसमें कितना एफर्ट्स आप अपनी तरफ से डालते हैं। जिस प्रकार की जॉब को आप चूज़ करेंगे, जितना एफर्ट आप उसमें डालेंगे, उसी प्रकार की सैलरी जो है वो आप इससे प्राप्त कर पाएंगे। सो यार, ये थी एक कम्प्लीट वीडियो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक जो है वो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जो वीडियोस है वो और भी जो टॉप के मेडिकल कोर्सेज है उनके ऊपर आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ छूट चुकी है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ रहे उस चीज़ को हम उस नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो ऐड कर सके। बाकी यार, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड Have a nice day.